आगे बढ़ते बड़ी खबर भोपाल से मध्य प्रदेश की खबरों पर नजर डालें तो चुनाव से पहले दिग्गजों का मध्य प्रदेश दौरा अब तेज हो गया है। आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे की तारीख तय हो गई है। 3 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आएंगे। 1 से 3 जून तक जबलपुर और भोपाल दौरा उनका रहेगा। इस दौरान 2023 चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो 2023 से पहले चुनाव की तैयारियों को लेकर अब लगातार बीजेपी के दिग्गज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। 3 दिन का ये दौरा होगा। 1 से 3 जून तक जबलपुर और भोपाल दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। 1 तारीख और 2 तारीख को, 1 को भोपाल और 2 तारीख को जबलपुर और 3 को जबलपुर से वो वापस जाएंगे। तो इसलिए दौरा अभी प्रस्तावित है और मुझे लगता है कि आज रात तक या कल तक फाइनली चीज़ें जो तैयार हो जाएंगी उसके बाद फिर हम आपको उसकी सूचना देंगे। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा सौभाग्य है कि 2 दिन का दौरा उनका मध्य प्रदेश को मिल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोगों का तो मैं तो इसको एक सौभाग्य मानता हूँ कि उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा और मध्य प्रदेश के लिए 2023-2024 वो तो सब होता ही है। संगठन के काम की दृष्टि से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पूरे देश के राज्यों के दौरे कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश भी उसी क्रम में वो 1, 2, 3 तारीख को मध्य प्रदेश में रहेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता के लिए सौभाग्य का क्षण है। चलिए इसी खबर को विस्तार से हम समझेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, इलेक्शन में भले ही अभी समय हो लेकिन बीजेपी इसीलिए जानी जाती है लगातार तैयारियों में जुटे रहना, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं, 2023 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण, साथ ही उनके दौरे को लेकर बीजेपी किस तरह से तैयारियों में जुटी हुई है ये भी बताइए। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 2018 में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी, बाद में जरूर सरकार की वापसी हुई है, कांग्रेस की वापसी हो गई और कांग्रेस भी काफ़ी एक्टिव मूड पर है। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करें तो अभी राजस्थान में चिंतन शिविर हुआ, उसमें वो पहुँचे थे और लगातार उनके दौरे दिखाई भी दे रहे हैं। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के दौरे पर भी वो आ रहे हैं। 1 तारीख को भोपाल में रहेंगे, उसके बाद 2 और 3 तारीख को महाकौशल में, महाकौशल यानी जबलपुर में कुछ बैठकें लेंगे। भोपाल में बड़ी बैठक होने वाली है, उसका पूरा कार्यक्रम आज देर रात तक तय हो जाएगा कि कहाँ कौन सी कितनी बैठक रहेगी। बाकी तारीख तय है, 1, 2, 3 तारीख को वो मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक महाकौशल की बात करें तो महाकौशल में भी पिछली बार जितना अच्छा प्रतिसाद मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। तो बीजेपी की नज़रों में ऐसे सभी स्थान जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस 2018 में ठीक नहीं रहा था वहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारी आते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 दिन यहाँ गुजारने वाले हैं, 3 तारीख को उनकी वापसी हो जाएगी और इस 2 दिन के बीच में कई तरह की चर्चा होगी। अभी पंचायत नगरीय निकाय के चुनाव भी होना है, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सब नहीं होता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये चुनाव भी ऐसे दौर में हो रहे हैं जब 2023 का चुनाव इसके ठीक बाद में होगा। तो तमाम तरह की चीज़ों पर बात करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 3 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे। तैयारियां देखिए अभी से शुरू हो गई है, फोकस 2023 पर ही रहेगा और इस लिहाज से बीजेपी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।